हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीएन तिवारी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोही। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट पर डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट कोड है CS306। इसका यूनिट फर्स्ट है डेटा लिंक लेयर एंड लोकल एरिया नेटवर्क। आज का टॉपिक है हमारा डेटा लिंक लेयर एंड इट्स डिजाइन इश्यूज। डेटा लिंक लेयर में आगे बढ़ने से पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं, हमको प्रीरिक्विजिट क्या चाहिए। एक तो हमको पता होना चाहिए OSI मॉडल और फिजिकल लेयर। OSI मॉडल और फिजिकल लेयर आप लोगों ने सब्जेक्ट 206 में भी पढ़ा होगा, तो इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं OSI मॉडल पर। OSI मॉडल इज ए रिफरेंस मॉडल दैट डिस्क्राइब्स हाउ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन वन कंप्यूटर मूव्स थ्रू अ फिजिकल मीडियम टू द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन अनदर कंप्यूटर। जो OSI रिफरेंस मॉडल है, तो ये एक्सप्लेन करता है, ये बताता है कि दो कंप्यूटर अगर किसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, चाहे वह लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े हों या वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हैं और इंटरनेट से भी जुड़े हैं, तो दो कंप्यूटरों में काम करने वाले सॉफ्टवेयर के मध्य इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र होगी नेटवर्क से। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जो सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, उसमें सूचना का आदान प्रदान कैसे होगा, यह OSI मॉडल डिस्क्राइब करता है। OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स एंड ईच लेयर परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर नेटवर्क फंक्शन। जो OSI मॉडल है, यह इसमें 7 लेयर्स का एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, और इस 7 लेयर्स में से प्रत्येक लेयर एक निश्चित नेटवर्क फंक्शन को परफॉर्म करता है। OSI मॉडल की ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, एक कंप्यूटर से सूचना को दूसरे कंप्यूटर तक भेजने का, उसको कैसे अचीव किया जाए, उसके लिए एक रेफरेंस मॉडल तैयार किया गया है। एक दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन है, ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है एक्चुअली। इसको सब टास्क में डिवाइड करने का दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर यूज करते हैं पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इसका एक स्टैंडर्डाइज बना दिया गया है, जिससे कि अलग अलग वेंडर्स के हम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर भी यूज करते हैं, तो उनके मध्य कंपैटिबिलिटी बनी रहे और कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आए। जैसे हम लोग ये अगर हम 7 लेयर की बात करें, तो डेटा लिंक लेयर पर हम लोग स्विच यूज करते हैं और नेटवर्क लेयर पर राउटर यूज करते हैं। अगर ये रिफरेंस मॉडल नहीं हो, तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपना अलग अलग स्टैंडर्ड बनाएगा, और जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जो हार्डवेयर्स हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपैटिबल नहीं होंगे। अगर OSI मॉडल को रिफरेंस करके सभी कंपनी अगर अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, तो कोई इशू नहीं होगा कि सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की कंपैटिबिलिटी नहीं बने। अगर मैं नेटवर्क लेयर का पे किसी एक एक्स कंपनी का नेटवर्क जो राउटर यूज करता हूँ, और दूसरे एंड पर या और दूसरा जो नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए मशीन यूज की है, या दूसरा वो उस पर कोई दूसरी कंपनी का राउटर यूज करते हैं, तो उसमें कोई भी कम जो कंपेटेबिलिटी का इश्यू जनरेट नहीं होगा। और इसी प्रकार से
ये तो पीयर लेयर की बात होगी। या और अगर एक डाउन लेयर की बात करें, नेटवर्क लेयर पर हम लोग कंपनी एक्स का या कंपनी ए का हम लोग का कोई राउटर यूज कर रहे हैं और डेटा लिंक लेयर पर दूसरी किसी कंपनी का स्विच यूज कर रहे हैं, तो इसमें जो एक कंपेटेबिलिटी है उसका इश्यू भी नहीं होगा। OSI मॉडल इज कंसिडर्ड एज एन आर्किटेक्चरल मॉडल फॉर इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन। इसको एक आर्किटेक्चरल मॉडल भी के तरह भी देखा गया है जो इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन करता है। जैसे इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन मीन्स एक ही नेटवर्क सेगमेंट में दो कंप्यूटर अगर हमारे जुड़े हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस समय भी इसका यूज़ किया जाएगा OSI मॉडल का। और अगर वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हैं या इंटरनेट से भी जुड़े हुए हैं तो सभी कंप्यूटर कनेक्टिविटी के लिए OSI रेफरेंस मॉडल का ही प्रयोग करेंगे। OSI मॉडल डिवाइड्स द होल टास्क इनटू 7 स्मॉलर एंड मैनेजेबल टास्क। ईच लेयर इज असाइंड अ पर्टिकुलर टास्क। जो डेटा ट्रांसमिशन है वो कंप्लीट टास्क है, उसको 7 स्मॉलर टास्क में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक लेयर को एक निश्चित टास्क दे दिया गया है। टास्क असाइंड टू ईच लेयर इज परफॉर्म इंडिपेंडेंटली बाय इटसेल्फ। जो प्रत्येक लेयर है वो अपना टास्क को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करता है। उसका अपर लेयर से कोई अपर लेयर कैसे काम कर रहा है उस पर वह डिपेंड नहीं करता है, या उससे लोअर लेयर कैसे काम कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। OSI मॉडल को अगर हम देखें तो उसमें ब्रॉडर वे में दो पार्ट्स हैं, एक तो अपर लेयर है और दूसरा लोअर लेयर है। अपर लेयर को हम लोग होस्ट लेयर भी कहते हैं और OSI का जो होस्ट लेयर है वो उसमें मेनली जो आपके एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर आते हैं और इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किया जाता है। जो लोअर लेयर है उसको हम मीडिया लेयर भी कहते हैं और OSI का जो लोअर लेयर या मीडिया लेयर है उसमें नेटवर्क डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर आते हैं और इनका इम्प्लीमेंटेशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। द लोअर लेयर और मीडिया लेयर ऑफ OSI मॉडल डील्स विद द डेटा ट्रांसपोर्ट इश्यूज। नेटवर्क डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर आर इम्प्लीमेंटेड विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। द फिजिकल लेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल एंड इज क्लोजेस्ट टू द फिजिकल मीडियम। द फिजिकल लेयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द फिजिकल मीडियम। जो OSI मॉडल का सबसे लोएस्ट लेयर है वह फिजिकल लेयर है, जिससे कि फिजिकल मीडियम कोई भी जो नेटवर्क केबल्स हैं वह कनेक्टेड होती हैं और फिजिकल लेयर मेनली रिस्पॉन्सिबल है कि इंफॉर्मेशन को फिजिकल मीडियम में ट्रांसफर करने के लिए। ये OSI मॉडल है। OSI मॉडल में जो होस्ट लेयर है उसमें चार लेयर हैं, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन एंड ट्रांसपोर्ट। एप्लीकेशन लेयर पे जो भी सॉफ्टवेयर हैं जैसे HTTP है, FTP है, वह जो नेटवर्क सॉफ्टवेयर्स हैं उनके साथ एक्सेस प्रोवाइड करता है और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। प्रेजेंटेशन लेयर जो डेटा प्रेजेंटेशन है फॉर्मेट्स है उसको निर्धारित करता है। सेशन लेयर जो है वह डेटा कम्युनिकेशन के लिए सेशन क्रिएट करता है और डेटा कम्युनिकेशन पूरा होने पर वह सेशन को टर्मिनेट कर देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर एक रिलायबल डिलीवरी है जो एंड टू एंड कनेक्टिविटी को डिसाइड करता है और रिलायबल डिलीवरी को डिसाइड करता है।
या इसको इंश्योर करता है। नेटवर्क लेयर का काम है कि इंफॉर्मेशन को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में राउट कराना है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजना है। डेटा लिंक लेयर का है कि एक ही जो नेटवर्क सेगमेंट में डेटा का ट्रांसफ़र करना है। और फिजिकल लेयर का काम है कि पॉइंट टू पॉइंट डेटा कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है और डेटा को भेजना है। जो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर पर जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हम सिंपल डेटा के नाम से बोलते हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर पर जब डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पर जाएगा तो हम उसे कहते हैं सेगमेंट। और जब डेटा नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर पर जाता है तो हम उसे कहते हैं पैकेट। और जब डेटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे हम कहते हैं फ्रेम या डेटा। देखते हैं फिजिकल लेयर क्या है। फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट द इंडिविजुअल बिट फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। इट एस्टैब्लिशेस मेंटेन्स एंड डीएक्टिवेट द फिजिकल कनेक्शन। फिजिकल लेयर का काम है कि जो डेटा बिट्स हैं जो डेटा लिंक लेयर से डेटा बिट्स आ रहे हैं उनको एक नोड से दूसरे नोड में पहुंचाना है। और यह जो दो नोड्स के मध्य कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है और जब तक डेटा ट्रांसफ़र चलता रहेगा तब तक वह कनेक्शन मेंटेन रहेगा और डेटा ट्रांसफ़र पूरा होने पर उसे डीएक्टिवेट कर देता है। यह फिजिकल लेयर का काम है। फिजिकल लेयर स्पेसिफाइज द मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड नेटवर्क इंटरफेस स्पेसिफिकेशंस। फिजिकल लेयर है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क इंटरफेस स्पेसिफिकेशन। मैकेनिकल में जो आपके कनेक्टर्स हैं जैसे आपका RJ45 कनेक्टर है वो मैकेनिकल पार्ट है आपका। और इसी प्रकार से जो BNC कनेक्टर्स है ये सब क्या है मैकेनिकल पार्ट्स हैं और ये सभी मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन को डिसाइड करेगा। इलेक्ट्रिकल में जो आपके सिग्नल्स हैं मूव कैसे करेंगे, जो डिजिटल पल्स है या रेडियो वेव से है या जैसे भी इंफॉर्मेशन को मूव करेगा वह इलेक्ट्रिकल को डिसाइड करेगा। और नेटवर्क इंटरफेस स्पेसिफिकेशन भी फिजिकल लेयर डिसाइड करेगी। फंक्शंस ऑफ ए फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के क्या काम है या फिजिकल लेयर पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसी को देखते हैं। इट डिफाइंस द वे हाउ टू और मोर डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड फिजिकली। पहला है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन में दिखा मैं ये शो करेगा कि दो या दो से अधिक डिवाइसेस नेटवर्क से कैसे फिजिकली कनेक्ट होंगे। जैसे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है या मल्टी पॉइंट कनेक्शन है वह लाइन कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा है डेटा ट्रांसमिशन। इट डिफाइंस द ट्रांसमिशन मोड वेदर इट इज सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड बिटवीन द टू डिवाइसेज ऑन द नेटवर्क। जब नेटवर्क पे दो डिवाइसेज के बीच डेटा ट्रांसफर हो रहा है उस केस में फिजिकल लेयर का यह भी काम है कि दो डिवाइसेज के मध्य डेटा ट्रांसफर सिंप्लेक्स होगा हाफ डुप्लेक्स होगा या फुल डुप्लेक्स होगा। सिंप्लेक्स मोड में जब डेटा ट्रांसफर होता है उस समय केवल एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर होता है ट्रांसमीटर से रिसीवर। उस समय रिसीवर से ट्रांसमीटर की ओर कोई भी डेटा ट्रांसफर नहीं होता। उसमें एक दो कंपोनेंट होता है, एक तो ट्रांसमीटर होता है दूसरा रिसीवर। हाफ डुप्लेक्स में दोनों एंड पर ट्रांसीवर होते हैं ट्रांसमीटर भी और रिसीवर भी होते हैं।
एक ही डिवाइस एज ए ट्रांसमीटर भी काम करेगा और रिसीवर भी, और दूसरे एंड में वही डिवाइस एज ए रिसीवर भी काम करेगा और एक ट्रांसमीटर भी काम करेगा। हाफ डुप्लेक्स में एक समय में केवल डेटा एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, और फुल डुप्लेक्स में दोनों एंड पे ट्रांस रिसीवर होंगे, ट्रांसमीटर भी होगा और रिसीवर भी होगा, और सेम टाइम में डेटा दोनों डायरेक्शन में ट्रांसफर हो सकता है। ये फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन है। तीसरा है टोपोलॉजी। इट डिफाइंस द वे हाउ नेटवर्क डिवाइसेज आर अरेंज्ड। फिजिकल लेयर पे फिजिकल टोपोलॉजी डिसाइड होती है। फिजिकल टोपोलॉजी में डिसाइड है कि जो नेटवर्क है उसमें फिजिकली जो नेटवर्क डिवाइसेज हैं या कंप्यूटर्स हैं कैसे कनेक्ट होंगे, वह बस के फॉर्मेट में होंगे या बस टोपोलॉजी होगी, या स्टार के फॉर्मेट में कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे, या रिंग के फॉर्मेट में होंगे, वह बस टोपोलॉजी हो सकती है, रिंग टोपोलॉजी हो सकती है, या स्टार टोपोलॉजी हो सकती है। सिग्नल नेटवर्क लेयर पर यह भी डिसाइड होता है कि इसमें सिग्नल क्या होगा। इट डिटरमाइन द टाइप ऑफ सिग्नल यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन। इसमें एनालॉग सिग्नल भी हो सकता है या डिजिटल सिग्नल भी हो सकता है, ये डिसाइड करता है। जैसे अगर डेटा टेलीकॉम पे मीडियम पे ट्रांसफर हो रहा है फिजिकल लाइन पर, तो क्या होगा आपका जो डेटा ट्रांसमिशन होगा वह एनालॉग फॉर्म में, और अगर नेटवर्क में हो रहा है लोकल एरिया नेटवर्क में तब तो वह डिजिटल पल्स के रूप में डेटा ट्रांसफर। नेक्स्ट है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर और लेयर टू इज द सेकेंड लेयर ऑफ सेवन लेयर ऑफ मॉडल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। डेटा लिंक लेयर को लेयर टू भी कहते हैं, और OSI मॉडल का यह सेकेंड लेयर होता है। दिस लेयर ट्रांसफर्स डेटा बिटवीन नोड्स ऑन अ नेटवर्क सेगमेंट अक्रॉस ए फिजिकल लेयर। एक नेटवर्क सेगमेंट है, उस नेटवर्क सेगमेंट्स में दो नोड्स के बीच में यह डेटा ट्रांसफर करता है। नेटवर्क सेगमेंट जैसे बस टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी का जो 10/2 है उसमें जो सेगमेंट है मैक्सिमम ये 200 मीटर की होती है। ये अगर 200 मीटर से ज़्यादा है तो उसमें एक सेगमेंट और होगा, उसमें सेगमेंट करते हैं। अगर वो सेगमेंट के अंदर ही हमारा जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर जुड़े हैं और डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा जो डेटा लिंक लेयर है वह डिसाइड करेगा कि किन कंप्यूटर्स के मध्य हमारा डेटा ट्रांसफ़र होना है। अगर ये किसी ब्रिज के थ्रू जुड़े हुए हैं तो फिर क्या है, ये ब्रिज जो दो नेटवर्क हैं, दो नेटवर्क में अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, उनके एड्रेस को चेक करेगा और उसके एड्रेस के अकॉर्डिंग ये डेटा ट्रांसफ़र करेगा। अब वैसे इसमें जो जनरली डेटा ट्रांसमिशन जो होता है वह स्टार टोपोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, जो स्विचेज हैं स्विचेज का यूज करते हैं। जनरल स्विचेज क्या है, OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, क्योंकि स्विच जो है एक इंटेलिजेंट डिवाइसेज है, इसको पता है कि कौन कौन से कंप्यूटर इसके किस पोर्ट पर जुड़े हुए हैं, और जब कोई भी एक कंप्यूटर डेटा ट्रांसफ़र करता है तो स्विच के उस इंफॉर्मेशन को केवल एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को ही ट्रांसफ़र करेगा, न कि सभी पोर्ट को ट्रांसफ़र करेगा, न कि सभी कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करेगा। ये डेटा लिंक लेयर का जनरली स्विच का काम है, और स्विच ये स्मार्ट डिवाइसेस है, एक कंप्यूटर का डेटा जो है केवल एक दूसरे कंप्यूटर को ही वह ट्रांसफ़र करेगा जिस पोर्ट पे वह पर्टिकुलर कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। सपोज मेरे पास एक स्विच है, स्विच में एक कंप्यूटर ए बी सी और डी है,
कंप्यूटर ए, कंप्यूटर सी को अगर डेटा भेजना है, सोर्स ए है और डेस्टिनेशन सी है, और उस केस में जो सोर्स का डेटा, जो ए कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन स्विच को जाएगा और स्विच उसे केवल जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है सी केवल उसको ही भेजेगा और बी और डी को नहीं भेजेगा। यह डेटा लिंक लेयर पे स्विच का काम है। अब देखते हैं डेटा लिंक लेयर पर डिजाइन इश्यूज क्या हैं। डेटा लिंक लेयर पर जो बेसिक डिजाइन इश्यूज हैं डेटा लिंक लेयर के, वो हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द नेटवर्क लेयर्स। एक तो नेटवर्क लेयर को सर्विस प्रोवाइड करनी है जो अपर लेयर है। दूसरा काम है फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन। फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगा, डिफरेंट फ्रेम है उनको आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा कि कौन से फ्रेम कब स्टार्ट हुई काम खत्म हुई, उसका सिंक्रोनाइज करना है। तीसरा है फ्लो कंट्रोल। दो डिवाइसेस के बीच डेटा ट्रांसफर हो रहा है, अगर इसमें एक डिवाइस स्लो है और दूसरा डिवाइस फास्ट है तो उनमें फ्लो कंट्रोल कैसे होगा। एरर कंट्रोल, अगर डेटा ट्रांसमिशन में कोई भी एरर क्रिएट हो जाती है तो उसे कंट्रोल कैसे करना है, दो डिवाइसेस के मध्य डेटा एरर को कैसे कंट्रोल करना है, वह एक इसका डिजाइन इश्यू है।